Hey guys, welcome to the online e-learning platform of Agriculture and GK. My name is Apurva Bharti and today I will discuss 50 MCQs related to agroforestry. So stay tuned. क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आप सबको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि अगर आप लोग एफ सी आई असिस्टेंट ग्रेड 3 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो कि एक टेक्निकल पोस्ट है तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं जिसका प्राइस पड़ेगा आपको 1499 रुपीज़। ठीक है, इस कोर्स में आपको मिलेंगे कंप्लीट नोट्स अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। इसमें आपको प्रिंटेबल ई बुक्स प्रोवाइड किए जाएंगे, एक क्वेश्चन बैंक मिलेगा। ठीक है, इसमें आप फुल लेंथ टेस्ट देने के लिए भी एलिजिबल हैं और आपको यूट्यूब क्लासेस एंड क्लास नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, हम जो कंटेंट प्रोवाइड करेंगे वो क्वालिटी में बहुत अच्छा होगा और हमारे यहाँ जो टीचर्स आपको पढ़ाएंगे वो काफ़ी एक्सपीरियंस है, आपको अच्छे से गाइड करेंगे जिससे आप इजिली एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक हमारे यहाँ से 3 स्टूडेंट्स का जो है वो सिलेक्शन हो चुका है इन एफ सी आई ए जी 3 एग्जाम। ठीक है, और 14 प्लस स्टूडेंट का जो है वो सिलेक्शन हो चुका है इन एफ सी आई ए जी एम एग्जाम जो कि 2021 में कंडक्ट हुआ था आउट ऑफ 27। ठीक है, ये मैक्सिमम था इंडिया में और ये सारे स्टूडेंट का जो सिलेक्शन हुआ था हमारे कोचिंग से, ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस हुआ था। तो अगर आप भी हमारा कोर्स लेते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं तो आप भी इनमें से एक हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप हमारा कोर्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करिए और वहाँ से कोर्स जो है आप हमारा डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। उसके थ्रू आपको क्या होगा कि कंप्लीट डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और कोई भी आपको क्वेरीज है तो आप हमें व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, टीक इज अ ट्री ऑफ। ठीक है, जो ट्री जो टीक है वो जो जो टीक ट्री है वो कौन से क्लाइमेट में ग्रो होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मानसून क्लाइमेट। ठीक है, मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है ट्रॉपिकल ये मानसून ट्रॉपिकल मानसून या फिर मानसून क्लाइमेट का कि यहाँ पे जो है दो ड्राई सीजन देखने को मिलता है। ठीक है, दो ड्राई सीजन रहता है उसके साथ ही साथ थोड़ा सा लो रेनफॉल भी देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे डिस्टिंक्ट रेनी सीजन रहता है विद वेरी हाई रेनफॉल। ठीक है, ये इसके फीचर्स है। इसके साथ ही साथ जो है रेनफॉल जो रहता है ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट में वो सीजनल रहता है। ठीक है, सीजनल इन नेचर रहता है और वो कभी कभी इरेगुलर एंड अनइवन भी हो सकता है। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्री है जो मानसून फॉरेस्ट में जो मानसून फॉरेस्ट में जो है वो रहते हैं वो है साल, टीक, बैम्बू, मारोब्लैंड। ठीक है, तो इसमें से टीक जो है ये भी एक एग्जाम्पल है किसका, मानसून क्लाइमेट का। ठीक है, और जो टीक है वो ग्रो करता है वेल इन शेड। ठीक है, और जो ट्रीज है वो बहुत ज़्यादा लंबा हाइट तक वो अटेन करता है और जो ये जो टीक ट्री है ये यूजली क्या होता है ग्रुप में जो है ये ग्रो करता है। ठीक है, हम लोग ये मॉनसून फॉरेस्ट को हम लोग ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट भी बोलते हैं जो कि यही मॉनसून क्लाइमेट यानी कि में जो है ग्रो होता है। ठीक है, और इसके पास जो है वो ब्रॉड लीफ डेसिडस ट्रीज आपको देखने को मिलेंगे जो कि ट्री शेड करते हैं ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। ठीक है, और ये मोस्टली फाउंड होता है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल एक तो टीक ट्री आ जाएगा, उसके साथ ही साथ जो है एक थिकेस्ट बैम्बू ट्री भी जो है इसका एग्जाम्पल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनरेशन मेथड इन मोरस एल्बा। ठीक है, जो मोरस एल्बा है इसमें जो रीजनरेशन मेथड है वो किससे होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, इसमें सीड के थ्रू भी रीजनरेशन होता है, इसके साथ ही साथ आपको कॉपीज में भी रीजनरेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, जो सीड है वो डिस्पर्स हो जाता है इन द एयर थ्रू द विंड या फिर मतलब वाटर से या फिर बर्ड से जो है वो जो सीड है इस मोरस एल्बा का वो डिस्पोज होता है जिससे पॉलिनेशन अकर होता है। ठीक है, ऐसा जो सीड है वो क्या होता है लॉर्ज हो जाता है किसी सुटेबल प्लेस में और वहाँ पे जो है जर्मिनेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, जैसे जर्मिनेशन के लिए क्या होता है जो सीड है उसको मॉइस्ट सॉइल रिक्वायर होता है, उसके साथ ही साथ ड्रेन सॉइल वेल ड्रेन सॉइल होना चाहिए, पानी जमा हुआ नहीं होना चाहिए, वेल ड्रेन होना चाहिए तभी वहाँ पे जो है वो ठीक से जर्मिनेशन हो पाएगा। थोड़ा सा शेड चाहिए होता है फेवरेबल जर्मिनेशन के लिए और जिसके वजह से क्या होता है सीडलिंग एस्टैब्लिशमेंट हो पाता है। ठीक है, ज़्यादा शेड नहीं देना है, ज़्यादा शेड होगा तो हार्मफुल होगा और वो ठीक से जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, और जो सीडलिंग है वो स्टैब्लिश कर पाता है अंडर दी कैनोपी ऑफ ट्रीज। ठीक है, जिसके पास थोड़ा लाइट क्राउन है, जिसका जो ज्यादा घना ट्री नहीं है, ठीक है, थोड़ा कम घना है, तो उसमें जो है ये अच्छा से कर पाता है जर्मिनेट। ठीक है, और सीड तो समझ में आएगा, कॉपीज क्या होता है, तो कॉपीज जो है ये जिससे ऐसे मतलब कॉपीज से क्या होता है कि ऐसे डेंस ट्रीज जो श्रब्स ग्रोन होते हैं जिस सकर्स या फिर स्प्राउट से। ठीक है, जो सीड से ग्रो नहीं होके सकर्स या स्प्राउट से जो ग्रो होते हैं उसको हम लोग कॉपीज बोलते हैं। ठीक है, जो कॉपीज है वो यूजली रिजल्ट होता है फ्रॉम द ह्यूमन वुड कटिंग एक्टिविटी। ठीक है, अगर जैसे ये ट्री है उसको काट देंगे। ठीक है, यहाँ से फिर जब उसका ग्रोथ होगा किससे सकर्स या फिर स्प्राउट के थ्रू,
वो जो है वो क्या होता है कि उसमें जो न्यू ग्रोथ है ग्राउंड लेवल पे वो पूरा कंटिन्यू रहता है, और इसके साथ ही साथ जो है वो एक सुटेबल साइज तक अटेन कर पाता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं। तो जो वॉन सेल्वा में रीजनरेशन होता है वो दोनों मेथड होता है, सीड एंड कॉपीज दोनों, ठीक है। और थोड़ा सा जान लेते हैं ये जो मॉरिस एल्वा है, ये जो इसको हम लोग कॉमन नेम सहतूत से भी जानते हैं, ठीक है। इसको हम लोग सहतूत भी बोलते हैं, या फिर तुतरी बोलते हैं, या फिर चिन्नी बोलते हैं, ठीक है। इसका जो ये कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये मोरासी फैमिली से जो है ये बिलोंग करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, अ नॉन ग्रास लाइक हर्बेशियस प्लांट इज कॉल्ड एज, ठीक है। जो नॉन ग्रास है, जो कि हर्बेशियस प्लांट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फॉग, ठीक है। जो फॉग है वो एक हर्बेशियस होता है, ठीक है। हर्बेशियस मतलब क्या, उड़ ही नहीं रहता है, हर्बेशियस रहता है, हर्ब जैसा रहता है, उड़ ही नहीं रहता है। इसके पास क्या होता है, ब्रॉड लीफ देखने को मिलते हैं, और जो कि ग्रास लाइक नहीं होता है। ग्रास में क्या होता है कि इसमें ग्रास में क्या होता है, पतले लीव देखने को मिलते हैं, ठीक है। पतले लीव देखने को मिलते हैं ग्रास में, ठीक है। जैसे आपने धूबी वगैरह में देखा होगा तो क्या पतले ग्रास रहता है, ठीक है। लेकिन ये जो फॉग है तो इसमें क्या होगा, आपको ब्रॉड लीव देखने को मिलेगा, ठीक है। काफी ब्रॉड लीव रहता है, ब्रॉड लीव आपको देखने को मिलेगा, और ये क्या होता है, हर्बेशियस नेचर का होता है, उड़ ही नहीं रहता है इसका जो प्लांट है, ठीक है। और जो फॉग्स है वो हर्ब्स जैसा ही रहता है, लेकिन नॉन ग्रास होता है, ठीक है। और ग्रास क्या होता है, ग्रास जो यूजली हर्बेशियस रहता है, जो कि इंडिकेट करता है कि वो प्रोड्यूस हुआ है सीड से, ठीक है। वो उडी टिश्यू नहीं रहता है, वहाँ पे कोई भी उडी टिश्यू डेवलप नहीं होते हैं, और वो ग्रोइंग सीजन मतलब कि जल्दी मर जाता है, ठीक है, एट द एंड ऑफ द ग्रोइंग सीजन में वो मर जाता है। लेकिन जो हर्ब्स होते हैं वो क्या होता है, ग्रीन लीफी प्लांट होते हैं, ठीक है। और वो यूजली क्या होता है कि कोई भी मतलब हर्ब्स को मेनली हम लोग यूज कर सकते हैं एज अ फ्लेवर एजेंट, या फिर अगर कोई भी फूड को तैयार करे तो वहाँ पे हम लोग एज अ फ्लेवरिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। और नॉन वुडी प्लांट्स क्या होता है, वो भी एक तरह का हर्बेशियस प्लांट्स हुआ, ठीक है, जो कि वहाँ पे कोई भी उडी स्टेम नहीं देखने को मिलेगा, कोई भी उडी स्टेम नहीं देखने को मिलेगा ऑफ द ग्राउंड, ठीक है। ये सब थोड़े बेसिक्स थे जहाँ पे हमने देखा, नॉन वुडी, हर्ब्स, पॉप्स, ग्रासेस, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा माइनर डिफरेंस है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्या कह रहा है, लोकेशन ऑफ IGFRI इज, ठीक है। तो IGFRI का लोकेशन कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झांसी, ठीक है। IGFRI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है द इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, जिसकी जो कि स्टैब्लिश हुआ था कब, तो 1962 में, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या होता है, यहाँ पे रिसर्च क्या करवाया जाता है, यहाँ पे रिसर्च होता है, ट्रेनिंग होता है, एक्सटेंशन प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू फोरेज प्रोडक्शन और उसका यूटिलाइजेशन, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच जो है वो अपनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे सब चीज़ का जो है ध्यान दिया जाता है, यहाँ पे रिसर्च में भी फोकस किया जाता है, ट्रेनिंग भी दिया जाता है, एक्सटेंशन प्रोग्राम्स भी दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है, सो दैट कि प्रोडक्शन और यूटिलाइजेशन पे ध्यान दे सके, किसका, तो फोरेज प्रोडक्शन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, विच इज हॉट डिजर्ट प्लांट, ठीक है। कौन सा जो है ये इसमें से हॉट डिजर्ट प्लांट का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 5 का ए, प्रोसोपिस साइनेरिया, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा प्रोसोपिस साइनेरिया। ये जो है एक हॉट डेजर्ट प्लांट का जो है ये एग्जाम्पल है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेग्यूमिनस मल्टीपर्पज ट्री है, ठीक है, जो कि मेनली इंडियन थार डेजर्ट में देखने को मिलता है, ठीक है। कहाँ देखने को मिलता है, ये इंडियन थार डेजर्ट में, ठीक है। इसका जो नेचर है, मतलब ये कैसे प्रोड्यूस होता है, तो ये ओनली सीड से ये इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। या फिर हम लोग उसको अगर वेजिटेटिव करना हो तो एयर लेयरिंग कर सकते हैं, या फिर स्प्राउटिंग कर सकते हैं, किसका, तो वेजिटेटिव बर्ड्स का, ठीक है, ऑन द मैच्योर स्टेम एंड रूट्स। ये जो ट्री है वो एविडेंटली ग्रो करता है राजस्थान रीजन में, ठीक है, डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक रीजन के राजस्थान में जो है ये ग्रो करता है, ठीक है। इसको जो बहुत कम रेनफॉल की जरूरत होती है, ऑलरेडी जो डेजर्ट एरिया में क्या होता है कि रेनफॉल कम होता है, ठीक है। तो ये अडेप्ट कर लेता है कि इसको लो रेनफॉल चाहिए होता है, कितना चाहिए होता है, तो 250 से 500 मिलीमीटर पर एनम जो है इसको रिक्वायरमेंट होती है पानी की, बारिश की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, द सिल्वो पास्टरल सिस्टम इंक्लूड्स, ठीक है। जो सिल्वो पास्टरल सिस्टम है ये क्या इंक्लूड करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ट्री प्लस पास्चर प्लस एनिमल्स, ठीक है।
तो जो सिल्वी पास्टोरल सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड करता है, तो ट्री भी इंक्लूड करता है, पास्चर भी इंक्लूड करता है, एनिमल्स भी इंक्लूड करता है, ठीक है। जो एग्रो सिल्वीकल्चर सिस्टम है जो कि इसको हम लोग, इसमें अंदर क्या क्या आता है, तो एले क्रॉपिंग आ सकता है, मिक्स ट्री गार्डन आता है, मल्टी लेयर ट्री एंड श्रब गार्डन भी, एंड ट्री फेलो सिस्टम, ये सब जो है ये एग्रो सिल्वीकल्चर सिस्टम के अंदर आते हैं, ठीक है। लेकिन जो सिल्वी पास्चर सिस्टम है ये क्या क्या इंक्लूड करता है, तो यहाँ पे ट्री क्रॉप रहते हैं विद द ग्रेजिंग पास्चर, ठीक है। ऐसे फोडर या फिर ऐसे ग्रेजिंग पास्चर का हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, जिसमें जो है जो भी हमारा एनिमल्स है वो वहाँ पे उसका चारा के लिए काम आ सके, वो या फिर वहाँ पे वो ब्राउजिंग कर सके, ठीक है। और ऑफकोर्स एनिमल्स हम लोग रखेंगे सो दैट कि ये पास्चर पे फीड करे, ठीक है। और ट्री भी यहाँ पे होता है, तो ये तीनों का सिस्टम है, ठीक है। सिल्वो पास्चर सिस्टम इज इक्वल टू ट्री प्लस पास्चर प्लस एनिमल्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द सिल्वो पास्चर सिस्टम इज आइडियल फॉर, ठीक है। जो सिल्वो पास्चर सिस्टम है ये किस चीज के लिए आइडियल है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ड्राई एरिया, ठीक है। जो सिल्वो पास्चर सिस्टम है इसको मेनली कहाँ अडॉप्ट किया जाता है, तो इसको मेनली जो है ड्राई एरिया में जो है अडॉप्ट किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है क्या कह रहा है द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉपीसिंग इज, ठीक है। जो मेजर ऑब्जेक्टिव है कॉपीसिंग का वो क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टू गेट मोर विगरस ग्रोथ, ठीक है। हम लोग कॉपीसिंग इसलिए ही करते हैं सो कि हमें जो ग्रोथ है उसमें जो है बूस्ट देखने को मिले, इनहांस हो, जो विगरस मतलब ग्रोथ बहुत जल्दी जल्दी हो, ठीक है। तो कॉपीसिंग होता क्या है, तो ये एक ऐसा मतलब टेक्निक है जहाँ पे ये एक्सप्लॉइट करता है कि कोई भी श्रब्स या ट्रीज है वो रीग्रो कर सके। अगर हम लोग जैसे प्रूनिंग करते हैं, ठीक है, कोई ट्री में अगर प्रूनिंग करते हैं या फिर हम लोग उसको प्लांट को मिड से काट देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि उसमें क्या होगा, उसके बाद उसकी जल्दी ग्रोथ होगी, ठीक है। वही जो एबिलिटी हम लोग जिसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं कॉपीसिंग, ठीक है। यहाँ पे जो कॉपीस प्लांट है वो जल्दी से न्यू शूट्स जो है वो डेवलप कर जाएंगे जो कि सिमिलर साइज के होंगे जैसे वो पहले थे, ठीक है। और फिर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हार्वेस्ट कर सकते हैं रिपीटेडली, ठीक है, सो दैट कि हम लोग उसको दूसरे दूसरे पर्पज के लिए यूज कर सकते, जैसे कि हम लोग उस ट्री को और टिम्बर वगैरह के लिए यूज कर सके, फ्यूल के लिए यूज कर सके, फर्नीचर जितना भी ह्यूमन गुड्स मतलब ह्यूमन यूज में आ सके वो सब के लिए, ठीक है। तो हम लोग ये जो है फॉरेस्ट में मेनली ये यूज करते हैं कॉपीसिंग, सो दैट कि जो हमारा ग्रोथ है वो जल्दी जल्दी हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है नेशनल रिसर्च सेंटर एग्रो फॉरेस्ट्री वॉज स्टैब्लिशन, ठीक है। जो नेशनल रिसर्च सेंटर है उसके अकॉर्डिंग जो एग्रो फॉरेस्ट्री वो कब स्टैब्लिश हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1988, ठीक है। तो ये कब स्टैब्लिश हुआ था, तो ये 8 मई 1988 में जो है इसको स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। ये हम लोग क्यों किए थे, तो हम लोग स्ट्रेंथन करने के लिए या फिर हम लोग को कोऑर्डिनेट करने के लिए, ठीक है। किसको कोऑर्डिनेट करने के लिए, तो एग्रो फॉरेस्ट्री को कोऑर्डिनेट करने के लिए, उसके रिसर्च को कोऑर्डिनेट करने के लिए जो है नेशनल रिसर्च सेंटर ने एग्रो फॉरेस्ट्री को जो है वो स्टैब्लिश किया था, कब, 8 मई 1988 को, ठीक है। कहाँ पे, तो झांसी में, उत्तर प्रदेश जो कि है उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। फिर उसको बाद में अपग्रेड कर दिया गया 1 दिसंबर 2014 को, ठीक है, एज अ आईसीआर सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो इसका भी न्यू नेम क्या है, आईसीआर सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये नेशनल रिसर्च सेंटर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 10 नंबर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट केम इन एग्जिस्टेंस इन, ठीक है। जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है ये कब आया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 1927, ठीक है। तो कब हुआ था, डेट आपको याद रखना है 1 सितंबर 1927 को जो है ये इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो है एग्जिस्टेंस में आया था, ठीक है। ये जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो 1927 में आया था ये मेनली जो था वो लार्जली बेस्ड था क्या प्रीवियस इंडियन फॉरेस्ट एक्ट को जो कि ब्रिटिश ने लाया था, ठीक है। उसी को जो है उसी को फिर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट कर दिया गया 1927 में, ठीक है। वो मेनली पहले जैसा ही था इसका मतलब ये जो ये कैसे इनैक्ट हुआ था, तो ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने जो है इसको इम्पैक्ट ये इनैक्ट किया था, और ठीक है फिर इसको कमेंस किया था इन 21 सितंबर 1927, ठीक है। मतलब ये जो एग्जिस्टेंस मतलब कब से आया था, तो ये आपको याद रखना है 21 सितंबर 1927 से, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द हाइट ऑफ पोलार्डिंग इज, ठीक है। जो हम लोग पोलार्डिंग करते हैं तो उसमें उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 मीटर, ठीक है। जो पोलार्डिंग मतलब कि आया करते हैं कि जो ट्रीज हैं, जैसे ये ट्री है, ठीक है, तो इसमें हम लोग कट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो जो ये जो इसका जो मेन पोर्शन है ट्री का, ठीक
ठीक है, जो इसका तो इसमें क्या कहते हैं हम लोग इसको नीचे से जो है इसको हम लोग कितना ऑलमोस्ट 1.5 से 3.5 मीटर जो है यहाँ से हम लोग नीचे वाला पोर्शन को छोड़ के फिर कट करते हैं, ठीक है। 1.5 से 3.5 मीटर मतलब अबव द ग्राउंड से हम लोग करते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हाइट ऑफ द प्लांटिंग है तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सुटेबल होगा 2 मीटर, ठीक है। और ये हम लोग ऐसा क्यों करते हैं तो सो दैट कि इसका अगेन ग्रोथ हो, ठीक है। और हम लोग इतना सर्टेन हाइट से इसलिए करते हैं सो दैट कि जो कोई कैटल है वो ब्राउजिंग उसमें नहीं करे, ठीक है। कोई भी ब्राउजिंग एनिमल है वो वहाँ पे उसको डिस्टर्ब नहीं करे, तो उसके हम लोग उसके उसको वो नहीं पहुँच पाए, उस प्लांट के पास नहीं पहुँच पाए वो कैटल, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा ऊपर से करते हैं सो दैट कि जब दोबारा रीग्रोथ हो तो अच्छे से ग्रो हो और कैटल्स वगैरह उसको ना खाएं, ठीक है। इसलिए थोड़ा हम लोग ऊपर से जो है काटते हैं। और जो प्लांटिंग है ये तरह के हम लोग बोल सकते हैं एक तरह का क्या है प्रूनिंग सिस्टम है, ठीक है, जो कि इन्वॉल्व करता है अपर ब्रांच ऑफ द ट्री को रिमूव करना, जो ये क्या करता है सो दैट कि हम लोग प्रमोट करें, ठीक है। जो डेंस हेड है फॉलियज एंड ब्रांचेस का उसका क्या करता है ग्रोथ को प्रमोट करता है, ठीक है। इसलिए हम लोग ये प्लांटिंग करते हैं और ये मेनली इसलिए हम लोग करते हैं सो दैट कि हम लोग एक पर्टिकुलर हाइट पे इसलिए करते हैं क्योंकि ग्रेजिंग एनिमल्स को उसको दूर रखेगा। अगर जैसे कोई न्यू मान लीजिए अगर हम लोग नीचे से करेंगे तो क्या कोई भी न्यू शूट अगर डेवलप होता है तो जो ग्रेजिंग एनिमल है वो वहाँ पे खा लेंगे तो हमें वो प्लांट नहीं ग्रो पाएगा ठीक से। तो अगर हम लोग थोड़ा ज्यादा हाइट पे करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि जो प्लांट्स जो एनिमल है वो यहाँ पे नहीं खाएंगे न्यू शूट्स को, इससे हम लोग क्या होगा कि फिर से वो रीग्रोथ होगा और अच्छे से ग्रो होगा, ठीक है, जो हमें चाहिए रिक्वायरमेंट वो हमें मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, विच प्रोड्यूसेस बीडी लीव्स, ठीक है, कौन जो है वो बीडी लीव्स प्रोड्यूस करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डायोस्पायरस मेलानोजालोन, ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। जो लीव्स होते हैं ट्री स्पीशीज ऑफ डायोस्पायरस मेलाक्सियोन, तो वो जो है एक तरह का रैपर्स मतलब यूज किया था रैपर्स ऑफ टोबैको, ठीक है। टोबैको बीडी को ही हम लोग क्या बोलते हैं टोबैको, ठीक है, हिंदी में टोबैको बीडी बीडी वो यूज करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं जो बीडी प्रोड्यूस होता है तो वहाँ पे हम लोग एज अ रैपर यूज करते हैं, ठीक है। और इस ट्री को हम लोग बहुत सारे नाम से जानते हैं बट कॉमनली जो है इस ट्री को हम लोग क्या बोलते हैं टेंडू बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे कि वेस्ट बंगाल या उड़ीसा में हम लोग इसको केंदू भी बोलते हैं या फिर गुजरात में तेमरू भी बोलते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र में आपको तैमबुनी सुनने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका डिफरेंट डिफरेंट जगह पर डिफरेंट डिफरेंट नाम है बट जो कॉमनली जो इस ट्री का नाम है उसको हम लोग टेंदू से बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है विच एग्रोफॉरेस्ट्री ट्री हैज हाई कॉमर्शियल वैल्यू, ठीक है, किस ये एग्रोफॉरेस्ट्री ट्री का जो है हाई कॉमर्शियल वैल्यू मतलब कि किसको हम लोग अगर बेचते हैं अगर ज्यादा ज्यादा क्वांटिटी में तो बहुत ज्यादा अच्छा उसका जो है नेट रिटर्न देगा, ठीक है, किसका ज्यादा इनकम जनरेट करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी टीक, ठीक है। टीक की जो टिम्बर क्वालिटी होती है बहुत ज्यादा अच्छी होती है, इसकी वजह से क्या होता है कि इसकी कॉमर्शियल वैल्यू जो है बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये जो टीक है आपको ये मेनली ड्राई एरियाज में जो है ये ग्रो करता है, ठीक है, जैसे आपको तमिलनाडु राजस्थान मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र इस सब जगह आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसको मैक्सिमम कितना 40 डिग्री सेल्सियस पे ये टेम्परेचर पे ये ग्रो करता है, ठीक है, और मिनिमम कम से कम 2 डिग्री सेल्सियस तक ये सर्वाइव कर सकता है, ठीक है, जो कि आपको मेनली सदर्न इंडिया या फिर वेस्ट कोस्ट में जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन मतलब ध्यान रखना है 43 डिग्री सेल्सियस से 13 डिग्री सेल्सियस ऑलमोस्ट इसका जो है आपको टीक का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा इस टेम्परेचर में, ठीक है। जो ट्री टीक ग्रो जो टीक ट्री है ये मेनली जो है एलुवियल सॉइल पे ग्रो करता है, ठीक है, थोड़ा सा इसको मॉइस्ट चाहिए होता है वार्म एंड ट्रॉपिकल क्लाइमेट में है जो कि इसका पीएच रेंज 6.5 to 7.5 जो है सुटेबल रहता है, ठीक है। तो ये कुछ थोड़े थोड़े पॉइंट्स थे तो आपको ध्यान रखना है। इसके साथ आप ये ध्यान रख सकते हैं कि इसका जो रेनफॉल है इसको 800 से 2500 मिलीमीटर रेनफॉल जो है एनुअल रेनफॉल चाहिए होता है सर कि अच्छे से ग्रो कर सके, ठीक है। तो इसका हाई कॉमर्शियल वैल्यू क्यों क्यों है तो टीक का जो है इसमें जो टिम्बर क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है, इसकी वजह से जो है इसका कॉमर्शियल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर कि पिंक डिजीज इज रिलेटेड टू, ठीक है, जो पिंक डिजीज है ये आपको किस में देखने को मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सैंडलवुड, ठीक है, पिंक डिजीज जो है ये सैंडलवुड में है देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है डेलबर्जिया सिशू इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ, ठीक है, जो डेलबर्जिया सिशू है ये किसका साइंटिफिक नेम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंडियन रोजवुड, ठीक है, ये साइंटिफिक नेम है इंडियन रोजवुड का जो साइंटिफिक नेम वो क्या है डेलबर्जिया सिशू, ठीक है, ये मेनली फेबेसी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है।
जो डाइवर्जेंस टिश्यू है इसको कॉमनली नॉर्थ इंडिया में हम लोग बोलते हैं रोजवुड या फिर शीशम भी बोलते हैं, ठीक है। शीशम आपने नाम सुना होगा कि शीशम का पेड़ है, तो इसका जो कॉमन नेम है नॉर्थ इंडिया में शीशम बोलते हैं, ठीक है। ये एक बहुत ही फास्ट ग्रोइंग ट्री है, ठीक है, थोड़ा सा हार्डी होता है एंड ये डेसीडियस रोजवुड ट्री होता है, ठीक है। इसका जो नेटिव है वो क्या है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ठीक है, एंड सदर्न ईरान, ठीक है, ये इसका नेटिव है। जो डाइवर्जेंस टिश्यू होते हैं वो काफी लार्ज ट्री होते हैं, ठीक है, जिसके पास लॉन्ग लेदरी लीव्स रहते हैं, ठीक है, और आपको जो इसके फ्लावर है वो व्हाइट या फिर पिंक कलर के हैं, आपको वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, फैमिली ऑफ इंडियन रोजवुडियस, ठीक है। जस्ट अभी मैंने बताया कि किससे बिलोंग करता है, तो ये फैबेसी से बिलोंग करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फैबेसी, ठीक है, जो इंडियन रोजवुड है। साइंटिफिक नेम अभी जस्ट देखा क्या होता है, डेलवेजियस इशू, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्या होता है, डेलवेजियस इशू, जो कि हम लोग नॉर्थ इंडिया में इसको शीशम भी बोलते हैं या फिर कॉमनली रोजवुड भी बोलते हैं, ठीक है। बट आपने शीशम जो है ज्यादा सुना होगा, ये एक तरह का क्या है, फास्ट ग्रोइंग ट्री है जो कि हार्डी नेचर का होता है, ठीक है, बहुत लार्ज ट्री होता है और इसमें आपको क्या लेदरी लीव्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। और उसके जो फ्लावर्स होते हैं वो कौन से कलर के होते हैं, व्हाइट टू पिंक कलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि पलास ट्री बियर्स फ्लावरिंग ड्यूरिंग, ठीक है। जो पलास ट्री होता है ये कौन से सीजन में जो है फ्लावर करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, स्प्रिंग सीजन, ठीक है। पलास का साइंटिफिक नेम क्या होगा, बूटिया मोनोस्पर्मा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है क्या होगा, बूटिया मोनोस्पर्मा। ये अप टू 20 मीटर हाइट जो है इसका एडल्ट ट्री जो है ये ग्रो कर सकता है, ठीक है। और ये जो इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो ऑरेंज टू ब्राइट रेड कलर के होते हैं, ठीक है, आपको दिख जाएंगे अगर जो है इसके फ्लावर, ये कलर क्या होता है, ब्राइट ऑरेंज टू ब्राइट रेड कलर जो होता है इसका फ्लावर कलर होता है, किसका, प्लास ट्री का, ठीक है। काफी खूबसूरत देखने को मिलता है और ये जो है स्प्रिंग सीजन में जो जो इसके फ्लावर्स है वो वहाँ पे बियर करते हैं, ठीक है। जो फ्लावरिंग सीजन होता है वो क्या कब से स्टार्ट होता है, तो फेबरी से मार्च से स्टार्ट होता है, ठीक है, ध्यान रखना है कब से स्टार्ट होता है, फेबरी से मार्च जो है ये स्टार्ट होता है इसका फ्लावरिंग सीजन, और ये खत्म कब होता है, तो एंड ऑफ द अप्रैल में जो है इसका फ्लावरिंग सीजन जो है खत्म होता है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है मंथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज हाइएस्ट इन इंडिया, ठीक है, किस तरह का जो फॉरेस्ट है वो इंडिया में हाइएस्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रॉपिकल डेसिड्यूअस फॉरेस्ट, ठीक है। जो ट्रॉपिकल डेसिड्यूअस फॉरेस्ट है ये इंडिया में हाइएस्ट देखने को मिलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ट्रॉपिकल डेसिड्यूअस फॉरेस्ट इज ऑल्सो नोन एज वॉट, मानसून फॉरेस्ट, ओके, जो कि हाईएस्ट परसेंटेज जो है एरिया ऑक्यूपाई है इंडिया में, ये जो है मेनली ग्रो करते हैं विद एनुअल रेनफॉल 70 to 200 सेंटीमीटर, ठीक है, मिलीमीटर एनुअल रेनफॉल रहता है, ठीक है। और जो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट में यहाँ पे सैंडलवुड आपका ग्रो हो सकता है, शीशम ग्रो हो सकता है, महुआ, साल, टीक, बैम्बू, ये सब जो इंपॉर्टेंट स्पीशीज है ट्री की, ये सब जो यहाँ पे ग्रो हो सकते हैं, ठीक है। और मॉइस्ट डेसिडियस एंड जो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है, ये जो है दो क्लासिफिकेशन है इस फॉरेस्ट का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, एग्रो फॉरेस्ट्री इज अ टाइप ऑफ, ठीक है, जो एग्रो फॉरेस्ट्री है वो क्या टाइप है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, मल्टीपल क्रॉपिंग, ठीक है। जो एग्रो फॉरेस्ट्री है ये टाइप ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग है, तो मल्टीपल क्रॉपिंग अब क्या होता है, मल्टीपल क्रॉपिंग मतलब कि हम लोग ऐसा क्रॉपिंग सिस्टम जहाँ पे हम लोग मोर देन टू टू या फिर मोर देन टू क्रॉप जो है हम लोग ग्रो कर रहे हैं, कहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, तो सेम पीस ऑफ लैंड है, मान लीजिए सेम पीस ऑफ लैंड है, इसी पे हम लोग दो डिफरेंट टाइप के जो है यहाँ पे हम लोग क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप ग्रो कर रहे हैं ड्यूरिंग दी वन ग्रोइंग सीजन, ठीक है। सेम पीस ऑफ लैंड में सेम पीस मतलब एक पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग दो डिफरेंट तरह के जो है क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं और वन ग्रोइंग सीजन में ही, ठीक है, एक क्रॉप नहीं ग्रो करके एक ग्रोइंग सीजन में ओनली मोर देन टू या टू जो है क्रॉप ग्रो कर रहे हैं। और जब जब यही जब मल्टीपल क्रॉप जब हम लोग ग्रो करते हैं साइमल्टेनियसली, तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इंटरक्रॉपिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, ऑलियो रेजिन्स आर ऑब्टेन फ्रॉम, ठीक है, जो ऑलियो रेजिन्स हैं ये किससे ऑब्टेन होते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, पाइनस रॉक्स बर्गी, ठीक है, जो पाइनस रॉक्स बर्गी है ये इसमें से जो है ऑलियो रेजिन्स मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, ठीक है, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे है इसको हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, तो इसको हम लोग 21 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 21 मार्च, ठीक है, आपको ध्यान रखना है वर्ल्ड फॉरेस्ट डे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो ये 1 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, द लीडर ऑफ द चिपको मूवमेंट इज, ठीक है, जो चिपको मूवमेंट हुआ था वो उसके लीडर कौन थे, ठीक है,
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, ये जो चिपको मूवमेंट है ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, तो ये हिमालयन रीजन ऑफ द उत्तराखंड में जो है ये स्टार्ट हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि सब जो विलेजर्स विलेज के लोग थे वहाँ पे क्या किए थे कि ट्री लोग को जो है उसको गले लगा रहे थे। ठीक है, वो वहाँ के जो लोकल गवर्नमेंट थे वो उस ट्री सबको काटना चाह रहे थे, तो वहाँ के जो विलेज थे के लोग थे वहाँ पे उसको बचाने के लिए, ट्री को बचाने के लिए गले लगा लिया था, तो इसी से इसका नाम पड़ा था चिपको मूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है चिलगोजा इज ऑब्टेन फ्रॉम, ठीक है, जो चिलगोजा है हम लोग इसको किससे ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी पाइनस जेरांडियाना। ठीक है, जो पाइनस जेरांडियाना ट्री है इससे हम लोग चिलगोजा जो है ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, और पाइनस जेरांडियाना को हम लोग चिलगोजा पाइन भी बोलते हैं। ठीक है, इसका अनदर नेम क्या है, चिलगोजा पाइन और या फिर नेजा भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो कि नेटिव है नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय का, जो कि अफगानिस्तान या फिर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया और द नॉर्दर्न पाकिस्तान। ठीक है, ये इसका तो आप देख रहे हैं जीनस जो है ये पाइनस है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे सबका जीनस ऑप्शन में पाइनस दे रखा है बट स्पीशीज अलग है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो जेरांडियाना स्पीशीज है वही जो है वो चिलगोजा ऑप्टेन हो सकता है। ठीक है, ये जो ये ट्री है ये कहाँ मेनली ग्रो सकता है, जहाँ पे जो हाइट 1800 से 33,350 मीटर जो है वो वहाँ पे ग्रो सकता है। ठीक है, इसका जो एलिवेशन हाइट है मेनली जो हिमालय रीजन में जो मिलता है, तो ये इतने हाइट पे जो है ये ग्रो कर पाता है। ठीक है, ये जो क्लास है ये पनोप्सीडा क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है, ये एक तरह का जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, जितने भी पाइनस रहते हैं वो सब जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है एपिकॉर्मिक ब्रांचेस ओरिजिनेट फ्रॉम, ठीक है, जो एपिकॉर्मिक ब्रांचेस है वो कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एडवेंटियस बर्ड। ठीक है, जो एपिकॉर्मिक ब्रांचेस होते हैं वो ओरिजिनेट करते हैं एडवेंटियस बर्ड से। जो एपिकॉर्मिक ब्रांचेस होते हैं वो जो शू वो जो वो कहाँ से राइज करते हैं, वो शूट से राइज करते हैं स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम द एडवेंटियस और डोमेंट बर्ड। ठीक है, ऑन स्टेम या फिर ब्रांचेस ऑफ वुडी प्लांट्स ऑफन फॉलोइंग एक्सपोजर टू इंक्रीज लाइट लेवल्स ऑन फायर। ठीक है, जो एपिकॉर्मिक ब्रांचेस होते हैं वो मेनली अराइज करते हैं शूट से, तुरंत मतलब तुरंत अराइज कर जाते हैं। ठीक है, जो कि कहाँ से अराइज करते हैं, तो डोरमेंट या फिर एडवेंटियस बर्ड से अराइज करते हैं। ठीक है, जो कि कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो स्टेम या फिर ब्रांच ऑफ वुडी प्लांट्स में जो है वो प्रेजेंट रहता है, जो कि एक्सपोजर रहता है टू दी लाइट, उनको ज्यादा लाइट चाहिए होता है थोड़ा, तो वो इस अच्छे से पूरा एक्सपोज रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या रहा है विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नोन एज बटर ट्री, ठीक है, किसको हम लोग बटर ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मधुका लॉन्जीफोलिया। ठीक है, जो मधुका लॉन्जीफोलिया है इसको हम लोग बटर ट्री से भी नाम जानते हैं। ठीक है, ये मधुका लॉन्जीफोलिया जो है ये क्या है, ये इंडियन ट्रॉपिकल ट्री है। ठीक है, क्या है, इंडियन ट्रॉपिकल ट्री है, इंडियन ट्रॉपिकल ट्री है जो भी लार्जली फाउंड होता है कहाँ पे, तो सेंट्रल सदर्न इंडिया या फिर नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स में जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपको दूसरे कंट्री में जैसे कि नेपाल म्यांमार श्रीलंका में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या क्या है, बटर ट्री तो एक तो बोलते ही हैं, इसका दूसरा हम लोग मधुकम ट्री भी बोल सकते हैं या फिर महुआ बोलते हैं। ठीक है, या फिर इसको जो है विपा चेटू भी बोलते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट नेम है डिफरेंट प्लेस में, तो आपको इतना जो है कुछ कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, जेनेटिकली प्योर ट्री स्टैंड इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ, ठीक है, जो जेनेटिकली प्योर ट्री स्टैंड होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, जेनेटिकली प्योर स्टैंड ट्री जो होता है जो ग्रुप में होता है इंडिविजुअल को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सिंगल स्पीशीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 27 कह रहा है फ्रेंच थिनिंग इज अदरवाइज कॉल्ड एज, ठीक है, तो फ्रेंच थिनिंग का जो है दूसरा नाम क्या होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी क्राउन थिनिंग। ठीक है, जो फ्रेंच थिनिंग है हम लोग उसको क्राउन थिनिंग भी बोलते हैं। क्राउन थिनिंग क्या होता है, तो ये इसमें क्या होता है कि जो टॉप पोर्शन होते हैं ट्री के उसको वहाँ पे जो है रिमूव किया जाता है। ठीक है, ये जो क्राउन थिनिंग है इसमें मतलब इस टाइप की क्राउन थिनिंग में क्या करते हैं कि हम लोग जितने भी डिजीज वाले प्लांट हैं या फिर जिनके क्राउन बहुत ज़्यादा वाइड है हम उनको थोड़ा नैरो करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्राउन थिनिंग जो है यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है मेनली हम लोग डेड ड्राइंग या फिर डिजीज का जो पार्ट है जो भी क्राउन में जो डिजीज है या फिर डेड प्लांट्स मतलब डेड लीव्स वगैरह हैं या ब्रांचेस हैं, तो उसमें हम लोग उसको जो है टॉप पोर्शन से काट छाट करते हैं। ठीक है,
इसका मेन यही रोल रहता है, मेन ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि हम लोग क्या करें, जितने भी इंफीरियर ट्रीज है वो हम लोग हटा दें फ्रॉम द डोमिनेंट क्लास. जितना भी डोमिनेंट ट्रीज है, मान लीजिए है उसके बीच अगर कोई भी डिजीज ड्राइंग हो गया तो क्या होगा, थोड़ा सा वो क्या होगा, इंफीरियर ट्री हो जाएगा. वो हमारे लिए क्या होगा, वो उतना बेस्ट प्रोडक्शन नहीं दे पाएगा. तो क्या होगा कि हम लोग उसका कटाई चढ़ाई करते हैं या फिर उसको रिमूव करते हैं, ठीक है. इसी को कहते हैं क्राउन थिनिंग, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर. अ यूनिट ऑफ लैंडस्केप दैट कंटेन्स ऑल द ड्रेनेज एरियाज एंड चैनल्स कंट्रीब्यूटिंग टू अ सिंगल स्ट्रीम, रिवर स्ट्रीम, ठीक है. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या कह रहा है कि एक यूनिट है लैंडस्केप का, ठीक है. जैसे ये एक लैंडस्केप का यूनिट है जो कंटेन कर रहा है ऑल द ड्रेनेज एरिया. मतलब कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे रिवर है, तो यहाँ से थोड़ा सा इधर से पानी आ रहा है, इधर से जैसे एग्रीकल्चर फील्ड है, बारिश हुई तो वहाँ से फ्लो किया अपर स्लोप से लोअर स्लोप में, तो यहाँ से पानी आ रहा है. या फिर मान लीजिए यहाँ पे फ्लड आ गया, या फिर उसका जो हम लोग डाइवर्जन कर रहे हैं, तो यहाँ से जो है पानी आ रहा है. तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंगल एक सिंगल प्लेस पे जो सबका जो है ड्रेनेज एरियाज आ रहा है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, तो क्या होगा इसको हम लोग वाटर शेड बोलते हैं. इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन ए वाटर शेड, ठीक है. मतलब कि ऐसा यूनिट जहाँ पे ऑल ड्रेनेज एरियाज जो है वो प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग वाटर शेड बोलते हैं, ठीक है. जो वाटर शेड रहता है वो एक तरह का इंटायर रिवर सिस्टम जैसा काम करता है, जहाँ पे जो है मतलब ऐसा ही है जहाँ पे जितने भी रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज है वो वहाँ पे ड्रेन हो रहे हैं, ठीक है. इसलिए हम लोग उसको कभी कभी क्या कहते हैं, ड्रेनेज बेसिन भी कहते हैं, ठीक है. वाटरशेड को हम लोग ड्रेनेज बेसिन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. आगे का सेशन कंटिन्यू करने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि अगर आप लोग इफको एजीटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं. आपको ये कोर्स पड़ेगा 1600 रुपये में, ठीक है. और अभी जो हमारे यहाँ 60% ऑफ चल रहा है, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा न्यूज़ है, ठीक है. इसके वजह से क्या है कि आपको कोई कूपन कोड लगाने की जरूरत नहीं है, और ये जो कोर्स है आपका वैलिड रहेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, ठीक है. इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, तो इस कोर्स में आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड सेशंस, इसमें आपको स्टडी मटेरियल्स जो है प्रोवाइड किए जाएंगे, इसमें आप 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देने के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है. इसके साथ ही साथ आपको क्वेश्चन बैंक्स मिलेंगे, और इसी में जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है. इस पैकेज में आपको प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू तीनों की जो है वो प्रिपरेशन करवाई जाएगी, ठीक है. अभी तक हमारे यहाँ से जो है 25+ स्टूडेंट का जो है सिलेक्शन हो चुका है इन इफको एजीटी एग्जाम, ठीक है, जो कि मैक्सिमम है इंडिया में. और आप भी नेक्स्ट हो सकते हैं अगर आप हमारा कोर्स लेते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं तो, ठीक है. हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस है, आपको काफ़ी अच्छे से गाइड करेंगे, जिसकी वजह से आप इजिली इस एग्जाम को क्रैक कर पाइएगा, ठीक है. इस कोर्स का जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ जाइए, इस लिंक को क्लिक करके विजिट करिए. वहाँ से आप हमारा कोर्स डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं, या फिर ये जो स्क्रीन पर दिया गया व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है. आपको यहाँ पर पूरी जानकारी दी जाएगी, आपको इस कोर्स के लिए फुल डिटेल्स मिल जाएंगे, और आपको कोई भी अलग क्वेरीज है तो वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है. चलिए अब हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर. क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ हाइट एंड स्पेसिंग इन द शेल्टर बेल्ट, ठीक है. जो रेशियो होता है हाइट और स्पेसिंग का, कहाँ पे, तो शेल्टर बेल्ट में, तो वो कितना रहता है, ठीक है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 1:10, ठीक है. शेल्टर बेल्ट क्या होता है कि अगर हम जब जो टॉल ग्रोइंग ट्रीज है, अगर हम लोग उसको ग्रो करते हैं बिसाइड दी क्रॉप क्रॉप एरिया में, ठीक है. जैसे हमारा ये क्या है, एग्रीकल्चर लैंड है जहाँ पे हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है. और इसको हम लोग विंड से बचाने के लिए जो है, अगर हम लोग टॉल ट्रीज को ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो है क्या करेगा कि ये विंड से प्रोटेक्शन देगा इस स्मॉल क्रॉप को, और इसका जो विंड का जो वेलोसिटी है वो क्या करेगा, ये रिड्यूस कर देगा, ठीक है. इसकी वजह से क्या है, प्रोटेक्शन देगा. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शेल्टर बेल्ट बोलते हैं, ठीक है. यहाँ जो हाइट और स्पेसिंग का जो रेशियो रहता है शेल्टर बेल्ट का में, तो कितना रहता है, 1:10, ठीक है. और ये मतलब 20% तक जो है ये विंड वेलोसिटी का जो है वो रिडक्शन कर सकता है, ठीक है. और ये एक्सटेंड कर सकता है अप टू द 15 to 20 टाइम्स ऑफ दी हाइट ऑफ दी बेल्ट. जैसे मान लीजिए कि राजस्थान में अगर हम लोग अगर शेल्टर बेल्ट लगा रहे हैं, मान लीजिए कि 7.5 मीटर का, ठीक है, हाइट है, तो जो स्पेसिंग रिकमेंड होगा वो 10 टाइम्स द हाइट होगा, ठीक है. 10 टाइम्स जो हाइट है वो रहेगा, तो क्या होगा, 7.5 मीटर जो है वो हमारा हाइट है शेल्टर बेल्ट का, तो हमारा 10 टाइम्स अगर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 75 मीटर जो है हम लोग इसका स्पेसिंग रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, हॉरिजॉन्टल पॉइंट सैम्पलिंग इज एट्रीब्यूटेबल टू, ठीक है. जो हॉरिजॉन्टल पॉइंट सैम्पलिंग है ये किसने दिया था, किस साइंटिस्ट ने दिया था, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी मेट्जगर, ठीक है. जो मेट्जगर साइंटिस्ट थे उन्होंने जो है ये हॉरिजॉन्टल पॉइंट सैम्पलिंग जो है ये डिस्कवर किया था.
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 31 नंबर, क्या बोल रहा है, विल्टिंग ऑफ शिशु इज कॉज्ड बाय, ठीक है, जो विल्टिंग होती है डिजीज किसी में शिशु में, तो वो किसके वजह से होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फिजारियम सलानी, ठीक है, जो फिजारियम सलानी है ये जो है ये विल्टिंग काउज करता है, ठीक है। ये साइंटिस्ट बख्शी इन 1956 जो है इन्होंने शो किया था कि जो फ्यूजारियम सोलानी है ये है जो काउज करते हैं विल्टिंग, और ये क्या करते हैं फिर बाद में विल्ट करने के बाद जो है शिशु प्लांट का जो है वो डेथ हो जाता है, ठीक है। जो इन्फेक्शन है ये मेनली अकर होता है रूट्स में, ठीक है, जहाँ पे जो फंगस है वो प्रोसीड करते हैं अलोंग द स्टेम, और उसके बाद जो है वो पूरा जो ट्री है उसको पूरा मार देते हैं, ठीक है। और ये जो पैथोजन होते हैं वो मेनली जो होते हैं वो सॉइल बॉर्न होते हैं, ठीक है, सॉइल बॉर्न पैथोजन होते हैं मेनली सॉइल में देखने को मिलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो विल्टिंग है ये जो ट्री है मान लीजिए, तो इसमें जो रूट्स है ये फंगस जो यहाँ पे रूट्स में अटैक करता है, फिर ये धीरे धीरे जो थोड़ा थोड़ा स्टेम में इफेक्ट करता है, इसके वजह से इसको पूरा सुखा देता है, इसके वजह से क्या होता है इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, इन क्लोनल फॉरेस्ट्री द ट्रीज आर प्रोपोगेटेड, ठीक है, क्लोनल फॉरेस्ट्री में जो ट्रीज है वो किस कैसे प्रोपोगेट किया जाता है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी थ्रू वेजिटेटिव मीन्स, ठीक है। जो क्लोनल फॉरेस्ट्री, क्लोनल मतलब क्या होता है, क्लोन जो कि जेनेटिकली आइडेंटिकल रहता है, ठीक है, जेनेटिकली आइडेंटिकल रहता है, जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो पेरेंट्स से जो है पूरा मेल करते हैं, मतलब पूरा मेल खाते हैं, पूरा सेम रहते हैं, ठीक है। और जो क्लोनल मल्टीप्लीकेशन किया जाता है टू रिप्रोड्यूस क्लोन्स, ठीक है, तो सारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होते हैं वो सेम होते हैं एज अ पैरेंट ट्री, ठीक है। और जो टर्म क्लोन है वो मेनली क्या क्यों यूज किया जाता है, एज अ जेनेटिकली यूनिफॉर्म प्लांट मटेरियल दिखाने के लिए, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कहीं भी अगर क्लोन आता है तो क्या होता है, एक तो क्लोन जो है वो प्रोड्यूस होता है एसेक्सुअल मीन्स, ठीक है, और वो जो है उनका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है वो पूरा सेम होता है एज अ फ्रॉम द पैरेंट मटेरियल, मतलब पैरेंट ट्री से जो है पूरा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सेम रहता है। और जो क्लोन है मेनली हम लोग क्या यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए जो है वो मेनली यूज करते हैं, ठीक है, मतलब जितने भी सिंगल इंडिविजुअल एंड प्रोपोगेटेड रहते हैं प्लांट्स वो क्या होते हैं कि वो क्लोन्स अगर रिप्रोड्यूस होंगे तो क्या होगा वेजिटेटिव उसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है ओनली सिंगल पेरेंट जो इन्वॉल्व होते हैं ना कि दो पेरेंट्स, ठीक है, इसके वजह से क्या होता है ये वेजिटेटिव मीन्स का जो है एग्जाम्पल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इन क्लोनल फॉरेस्ट्री ट्रीज आर प्रोपोगेटेड थ्रू तो वेजिटेटिव मीन्स, ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है एन एग्जाम्पल फॉर वुड ऑयल इज, ठीक है, तो वुड ऑयल का एग्जाम्पल क्या क्या होगा, एक तो वुड ऑयल में बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे कि टीक ऑयल, टंग ऑयल, डैनिश ऑयल, ओक फर्नीचर ऑयल, ठीक है, और बहुत सारे, ये सब क्या है कि जिस तरीके के वुड से जो ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसी टाइप का उसका नाम दिया गया, मतलब जैसे टीक ऑयल है तो टीक ट्री से उसको एक्सट्रैक्ट किया गया है, अगर ओक फर्नीचर ऑयल है तो जैसे मतलब उसको ओक ट्री से जो है एक्सट्रैक्ट किया गया है, ठीक है। यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वुड ऑयल का जो जिस ट्री से जो है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है क्या होगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैलोफाइलम इनोफाइलम, ठीक है, कैलोफाइलम इनोफाइलम जो है इसे वुड ऑयल जो है एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, ये एक तरह का क्या है लार्ज एवरग्रीन प्लांट है, ठीक है, इसको हम लोग तामानू या फिर ऑलनट जो है ट्री भी बोलते हैं, ठीक है, कॉमनली नोन कैलोफाइलम इनोफाइलम को, ठीक है, ये नेटिव है ट्रॉपिकल एशिया में, ठीक है। इसका जो टिम्बर है ये बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, इसकी वजह से हम लोग जो है इसको शिप बिल्डिंग में यूज करते हैं, ठीक है, शिप बिल्डिंग में इसी का टिम्बर को हम लोग यूज करते हैं मेनली, ठीक है, और ये जो है गुड सोर्स है किसका, तो तमानू ऑयल ऑयल का, ठीक है, आपको इतने पॉइंट्स जो है आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 34 कह रहा है विच ट्री इज यूज टू मेक पेंसिल, ठीक है, कौन सा ट्री जो है हम लोग पेंसिल बनाने के लिए यूज करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेडार, ठीक है, जो सेडार ट्री होते हैं वो मेनली पेंसिल यूज बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। जो पेंसिल होते हैं उसमें क्या होता है ग्रेफाइट यूज होता है, ठीक है, और जो वुड होते हैं जैसे मेनली सॉफ्ट वुड जो होते हैं वो जैसे कि कॉनिफेरस ट्रीज या फिर जैसे स्पाइन्स या फिर स्प्रूसेस, ठीक है, वहाँ पे जो है यूज कर सकते हैं इस टाइप के ट्री को पेंसिल बनाने के लिए, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है पेंसिल बनाने में वो होता है सेडार वुड, ठीक है, जो कि पेंसिल प्रोडक्शन में काफी हेल्प करता है। इसके जो वुड होते हैं वो ग्रेफाइट जैसे स्ट्रक्चर को जो है रहते हैं उसमें, जो कि इजियर कर देते हैं बनाने के लिए, मतलब इजी कर देते हैं ताकि हम लोग पेंसिल से लिख सके उसको होल्ड कर सके, ठीक है, तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो है मतलब सेवरल जूनिपर्स भी आ जाते हैं, ठीक है, पेंसिल से डार में जैसे जूनिपर्स प्लांट है वो भी आ जाते हैं, और वो भी जो है सुटेबल रहते हैं पेंसिल्स बनाने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है
द ओल्डेस्ट नोन एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम इज, ठीक है, जो ओल्डेस्ट फॉर्म है एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम का वो क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिफ्टिंग कल्टिवेशन। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टिवेशन जो है वो एक ओल्डेस्ट फॉर्म है एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम का, और जो टोंगिया सिस्टम है ये जो है ये थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है शिफ्टिंग कल्टिवेशन का। ठीक है, तो शिफ्टिंग कल्टिवेशन क्या होता है? शिफ्टिंग कल्टिवेशन मतलब कि इसको हम लोग स्लैश एंड बर्न कल्टिवेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता था कि पहले के टाइम में जो फार्मर्स थे, तो ये जैसे लैंड है तो यहाँ पे जैसे ट्री, यहाँ पे जैसे क्रॉप यहाँ पे ग्रो किया, फिर ट्री ग्रो किया, तो इसको क्या कर देते थे, इसको पूरा काट देते थे, उसके बाद उसको जला देते थे। ठीक है सर, उसको 2-3 साल के लिए छोड़ देते थे, फिर उसको यूज नहीं करते थे। फिर वो जो फार्मर्स थे, जो पीपल थे, वो क्या करते थे, फिर दूसरे जगह पे करते थे, दूसरे जगह पे क्रॉप प्रोडक्शन करते थे या फिर ट्री प्रोडक्शन करते थे। ठीक है, फिर वहाँ पे क्या करते थे, उसको काट देते थे, उसको जला देते थे। ठीक है, फिर अगेन 2-3 साल के लिए इसको छोड़ के फिर पहले वाले लैंड पे आते थे। ठीक है, इस तरीके से जो थे इसको हम लोग शिफ्टिंग कल्टिवेशन बोलते हैं। ऐसा बोल सकते हैं कि शिफ्टिंग कल्टिवेशन एक ऐसा फार्मिंग सिस्टम है जहाँ पे जो लैंड है उसको मतलब जो नेचुरल वेजिटेशन कर रहा है, ठीक है, यूजली फॉरेस्ट। ठीक है, तो वहाँ पे क्या करते थे, उसको स्लैश एंड बर्न कर देते थे, मतलब उसको काट देते थे, उसको उसको जला देते थे, सो दैट की जो कॉमन एरेबल क्रॉप्स है वहाँ पे उसको जो है अच्छे से ग्रो हो। ठीक है, यहाँ पे जो फैलो पीरियड यूज किया जाता था, मैंने 10 to 20 years किया जाता था, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि इसका जो जो टाइम पीरियड है, जो गैप टाइम है, उसको क्या कर दिया, उसको रिड्यूस कर दिया गया 2 to 5 years। ठीक है, इससे क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है, और इससे डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, और हमारे यहाँ जो फॉरेस्ट कवर है वो काफी डिक्रीज हो गया। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न हिल रीजन में इसको हम लोग झूम कल्टिवेशन भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर इसको पोडू भी बोलते हैं, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा स्टेट। ठीक है, ये जो शिफ्टिंग कल्टिवेशन है ये पहले के जो प्रिमिटिव ट्राइब्स थे वो लोग जो है मेनली फॉलो करते थे। ठीक है, और जब पहले जो शिफ्टिंग कल्टिवेशन जब करते थे, जब इसको 10 to 20 years के लिए छोड़ दिया जाता था इस लैंड को, तो क्या करते थे कि ऐसा क्यों करते थे, सो दैट कि जो इसकी सॉइल फर्टिलिटी है वो यहाँ पे रिस्टोर हो जाए, और जो इसका सॉइल इरोजन है वो भी रिड्यूस हो जाए। लेकिन अभी के टाइम में क्या है कि इसका जो टाइम पीरियड वो घट गया है, ठीक है, 2 to 5 years हो गया है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन देखने को मिल रहा है, और इसकी वजह से क्या हो रही है कि जो जो जमीन है वो बंजर हो जा रही है, क्योंकि उनको टाइम नहीं दिया जा रहा है कि जो सॉइल फर्टिलिटी है वो रिस्टोर हो, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि सॉइल इरोजन एकदम ज्यादा बहुत ज्यादा प्रमोट हो रहा है, और सॉइल फर्टिलिटी के मतलब जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं वो एकदम डिक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, तो ये इसके साइड इफेक्ट हो रहा है अभी के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 36 नंबर, क्या बोल रहा है कि विच इंडियन स्टेट हैज हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर। ठीक है, किस इंडियन स्टेट के पास जो है हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो है हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर देखने को मिलेगा। ठीक है, पूरे इंडिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वुड इज इट्स। ठीक है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी है वुड का, उसका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, अदर फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो वुड का वो क्या क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कलर ऑफ वुड, लस्टर, ऑरर एंड टेस्ट, डेंसिटी ऑफ वुड, हार्डनेस, श्रिंकेज, या फिर वुड मॉइस्चर। ठीक है, ये सब जो है इसके अदर फिजिकल प्रॉपर्टी हो जाएंगे वुड के। ठीक है, आपको एक और बात ध्यान रखना है, जो वुड होता है ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर क्या कि इसके पास कैपेसिटी होती है कि ये मॉइस्चर को जो है एब्जॉर्ब कर सके सकता है फ्रॉम द एयर। ठीक है, डिपेंड करता है कि हमारे जो सराउंडिंग, जो ट्री के सराउंडिंग में कितनी ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है। ठीक है, अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है तो ये क्या होगा, वुड जो है वो ज्यादा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा, अगर ह्यूमिडिटी कम है तो वुड जो है कम मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो इसका जो मेन इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी है वुड का, तो क्या है, मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, द एक्सॉटिक ट्री विच हैज नेचुरल हाइब्रिड इन इंडिया इज। ठीक है, जो एक्सॉटिक ट्री है जिसका जो नेचुरल हाइब्रिड इंडिया में मिलता है वो क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैजुरिया, कैजुरिया। ठीक है, जो कैजुरिया है ये एक्सॉटिक ट्री है जो कि इंडिया में मिलता है। ठीक है, ये मेनली क्यों इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, सो दैट कि हम लोग इसको पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री में जो है इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसका पोटेंशियल यूज था पे पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री में जो है इसका यूज है। ठीक है, ये जो है इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुआ था, तो 1996 में जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। ठीक है, और ये फिर धीरे धीरे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया एग्रोफॉरेस्ट्री स्पीशीज में। ठीक है, चलिए इसका पूरा नाम क्या है, ये एग्जॉटिक ट्री का इसका पूरा नाम है कैजुरियना, कैजुरिना जंगजूनियाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 39 कह रहा है, द ग्रोथ रेगुलेटर्स यूज फॉर रूटिंग इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज। ठीक है, जो ग्रोथ रेगुलेटर हम लोग यूज करते हैं एज अ रूटिंग, किसमें, रूटिंग में, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन जब हम लोग करते हैं तो उसमें हम लोग को रूटिंग प्रोसेस को अगर हम लोग को प्रमोट करना है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑक्सिन्स। ठीक है, जो ऑक्सिन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कहाँ पे, तो स्टिमुलेट करता है ये
रूट को, ठीक है, रूट फॉर्मेशन को ये स्टिमुलेट करता है, उसके साथ साथ ये इनिशिएशन लाता है, ठीक है, रूट फॉर्मेशन में जो इनिशिएशन लाता है ये कब होता है, जब हम लोग जैसे मान लीजिए कटिंग कर दिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि रोज हम लोग स्टेम कटिंग करते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि हम लोग उसको क्या कर देंगे, हम लोग ऑक्सीजन में डाल देंगे, ऑक्सीजन सोल्यूशन में डालेंगे, तो क्या होगा कि वहाँ पे जो रूटिंग है प्रोसेस वो क्या होगा, वहाँ पे प्रमोट होगा, ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है वो मेनली इंड्यूस करता है रूट फॉर्मेशन को, ठीक है, तो कैसे करता है, तो ये क्या करता है, जो एपिकल डोमिनेंस होता है ना, जो कि इंड्यूस होता है साइटोकिनिन के वजह से, तो वहाँ पे वो उसको ब्रेक कर देता है, ठीक है, तो ये ब्रेक कर देता है रूट एपिकल डोमिनेंस को, तो उससे क्या होता है कि यहाँ पे शूट का फॉर्मेशन, रूट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो रूट का फॉर्मेशन होता है तो ये प्रमोट करता है रूटिंग को, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ऑक्सिन यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, क्या बोल रहा है, द सीड ऑर्चर स्टैब्लिश यूजिंग ग्राफ्टेड प्लांट इज कॉल्ड, ठीक है, जो सीड ऑर्चर हम लोग स्टैब्लिश किए यूजिंग द ग्राफ्टेड प्लांट, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्लोनल सीड ऑर्चर, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोनल सीड ऑर्चर, तो क्लोनल सीड ऑर्चर क्या होता है, तो क्लोनल सीड ऑर्चर मतलब कि सीड ऑर्चर, ऐसा सीड ऑर्चर जिसको हम लोग रेज किए हैं फ्रॉम द सेलेक्टेड क्लोन्स, ठीक है, सेलेक्टेड क्लोन जिसको हम लोग प्रोपोगेट किए हैं थ्रू दी ग्राफ्टिंग, कटिंग, एयर लेयरिंग और टिश्यू कल्चर, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोनल सीड ऑर्चर। एक होता है एक्सटेंसिव सीडलिंग सीड ऑर्चर, ये क्या होता है कि ऐसे स्टैंड जो स्टैब्लिश किए हैं विद अ स्पेशल स्टॉक, ठीक है, फ्रॉम द बैलेंस मिक्सचर ऑफ सीड, जहाँ पे 60 गुड पेरेंट्स हैं, ठीक है, और वहाँ पे क्या गया है कि सुपीरियर कंबाइनिंग एबिलिटी को जो है रखा गया है ये गुड पेरेंट्स में, तो उसको मेनली यूज करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम लोग स्पेशल स्टॉक जो है यूज करते हैं विद अ बैलेंस मिक्सचर ऑफ सीड, ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एटलीस्ट 60 जो है वहाँ पे गुड पेरेंट्स हो, ठीक है, ऐसे पेरेंट्स जो कि सुपीरियर है, जिनके पास कंबाइनिंग एबिलिटी है, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्या, सीडलिंग सीड ऑर्चर्ड, सीडलिंग सीड ऑर्चर्ड क्या होता है कि सीड ऑर्चर्ड जैसे कि रेज किया गया है फ्रॉम द सीडलिंग, ठीक है, सीड सीड के हेल्प से जो है इसको प्रोड्यूस किया गया है, और जो सेलेक्टेड पेरेंट्स होते हैं वो जो है नेचुरल लाइफ कंट्रोल पॉलिनेशन से उनको उगाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 41 कह रहा है, टेट्राजोरियम टेस्ट फॉर टेस्टिंग वायबिलिटी ऑफ सीड्स इज एट्रिब्यूटेबल टू, ठीक है, जो टेट्राजोरियम टेस्ट है ये कौन साइंटिस्ट ने इसको इंड्यूस किया था, कौन किसने डिस्कवर किया था, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी लेकॉन, ठीक है, जो लेकॉन साइंटिस्ट है इन्होंने जो है टेट्राजोरियम जिसको हम लोग बोलते हैं 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोनियम क्लोराइड, ठीक है, यही टेस्ट जो है एक्सेस किया था सो दैट कि हम लोग सीड वायबिलिटी को हम लोग देख सके फ्रॉम दी सिंगल कट सीड, ठीक है, जो कि डेवलप कौन किया था, लैकॉन ने, कब डेवलप किया था, तो 1949, ठीक है, आपको ध्यान रखना है कब डेवलप किया था, तो 1949 में जो है इसको डेवलप किया था, जो कि एक रैपिड मेथड है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जो सीड वायबिलिटी है इसको हम लोग 1 से 2 दिन में जो है हम लोग उसको टेस्ट कर सकते हैं कि सीड वायबल है कि नहीं, ठीक है, और जैसे जो और बाकी जो नॉर्मल जो रहते हैं टेस्ट वो क्या होता है बहुत ज्यादा वीक हफ्ते लगा देते हैं कि बहुत ज्यादा दिन तक वो पता चलने में टाइम नहीं जाता, लेकिन ये जो टेट्राजोनियम टेस्ट है तुरंत हो जाता है, ठीक है, 1 से 2 दिन में हुआ था, और कौन किया था, तो लैकॉन ने इसको डिस्कवर किया था कब, 1949 में, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, द स्मॉलेस्ट फंक्शनल टेरिटोरियल यूनिट इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट इज, ठीक है, जो स्मॉलेस्ट फंक्शनल टेरिटोरियल यूनिट होता है फॉरेस्ट मैनेजमेंट में उसको क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बीट, ठीक है, इसको बीट बोलते हैं, स्मॉलेस्ट फंक्शनल टेरिटोरियल यूनिट जो होता है फॉरेस्ट मैनेजमेंट में उसको बोलते हैं बीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, विच वन हैज अ लोएस्ट ओपन कवर ओपन फॉरेस्ट एरिया, ठीक है, जो लोएस्ट ओपन फॉरेस्ट एरिया कहाँ पे है, तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये कह रहा है कौन सी यूनियन टेरिटरी में, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंडीगढ़, ठीक है, जो चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी यहाँ पे जो ओपन फॉरेस्ट एरिया जो है ये आपको सबसे कम देखने को मिलेगा, ठीक है, ये ओवर 6 स्क्वायर किलोमीटर में जो है ये ओपन फॉरेस्ट जो है ये कवर करता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2019 के डाटा से जो है ये मैं बता रही हूँ, ठीक है, और जो मध्य प्रदेश है वहाँ पे जो है लार्जेस्ट ओपन फॉरेस्ट एरिया देखने को मिलता है कितना, तो 36,000 स्क्वायर किलोमीटर में जो है वहाँ पे फैला हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, हाइबेलिया पुरिया इज अ डिफोलिएटर ऑन, ठीक है, जो हाइबेलिया पुरिया जो है ये किस पे डिफोलिएटर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टीक, ठीक है, जो हाइबेलिया पुरिया है वो एक तरह का टीक डिफोलिएटर है, ठीक है, जो कि क्या है, ये मॉथ है, जो हाइबेलिया पुरिया ये है एक तरह का मॉथ, ठीक है, और ये क्रिप्टिक स्पीशीज है जो कि साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया में जो है ये पाया जाता है, ठीक है, ये किस फर्स्ट किसने डिस्क्राइब किया था, तो ये पीटर क्रैमर ने जो है 1777 में जो है इसको डिस्कवर किया था, ठीक है, और ये फैमिली हाइब्रिडी से जो है ये बिलोंग करता है, और इसका ऑर्डर क्या है, लेपिडोप्टेरा, ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन 49 कह रहा है, 45 कह रहा है,
कच इज ऑब्टेन फ्रॉम, ठीक है, जो कच है इसको हम लोग किससे ऑब्टेन करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकेशा कटाचू, ठीक है, जो कच है इसको हम लोग ऑब्टेन करते हैं अकेशा कटाचू से, ठीक है। ये अकेशा कटाचू जो ट्री है ये एक तरह का क्या है, हार्ड ट्री है, ठीक है, इसमें आपको हैवी वुड जो है आपको इधर से ऑप्टेन होगा, ठीक है, ये नेटिव है साउथ ईस्ट एशियन इंडिया का, ठीक है। ये जो कच ट्री है ये वाइडली नोन फॉर द डायक स्टार, ठीक है, इस जो कच ट्री है इसको हम लोग कच ट्री भी बोलते हैं या फिर अकेशा कटाचू, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या है जो ड्राई डाई जो होता है, जो कलर होता है वो यहाँ से जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, हॉट वुड से जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं किसको, डाई को, ठीक है। और इसको हम लोग गम एक्सुडेट के लिए भी जो यूज करते हैं, ठीक है, जो कि सिमिलर रहता है गम अरेबिक से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है सैप वुड इज रिच इन, ठीक है, जो सैप वुड है वो किसमें रिच है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टार्च, ठीक है, जो सैप वुड होता है ये स्टार्च में रिच होता है, ठीक है, ये स्टार्च में मिलता है, इसके स्टार्च में रिच होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो है आपको अटैक्स देखने को मिल सकता है, ठीक है, फंगल अटैक जो होते हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, हाई स्टार्च होने की वजह से, ठीक है, फंगी का अटैक होगा, इस तरह से क्या होगा रॉड प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो है फंगी, और इस तरह से यहाँ पे आपको डिजीज देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, जैसे कि कुछ इंसेक्ट है जैसे कि लाइकटस जो है वो जनरली जो है अपने अंडे देते हैं ये हॉलो सेल्स में, ठीक है, लेकिन जो हॉटवुड होता है वहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो पहले से जो है वो भरे रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है एग्स वहाँ पे ले नहीं हो सकता, तो उसके वजह से क्या होता है जो हॉटवुड होते हैं वहाँ पे जो है वो लाइकटस अटैक नहीं होता है, ठीक है, और वहाँ पे चांसेस कम होते हैं फंगी अटैक के, लेकिन यहाँ पे सैपवुड में होने के चांसेस होते हैं, और क्योंकि यहाँ पे जो हाई स्टार्च कंटेंट की वजह से, ठीक है, यहाँ पे इजिली जो है यहाँ पे फंगी ग्रो हो सकता है अपना न्यूट्रिएंट के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 47 कह रहा है इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड एट, ठीक है, जो इंस्टीट्यूट है वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वो कहाँ पे लोकेटेड है, ये यहाँ पे क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बैंगलोर, ठीक है, ये बैंगलोर में लोकेटेड है जो कि कर्नाटका में है, ठीक है, ये वर्क करता है अंडर द इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, ठीक है, और द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। ये स्टैब्लिश कब हुआ था, तो ये 1938 में जो है इसको स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है, आपको ध्यान रखना, और इसका जो पैरेंट इंस्टीट्यूशन है वो कौन है, तो ICFRE, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 48 कह रहा है एन ओपन फॉरेस्ट विल कवर डैश परसेंटेज ऑफ ट्री कैनोपी डेंसिटी, ठीक है, जो ओपन फॉरेस्ट कवर है ये कितना परसेंटेज ट्री कैनोपी डेंसिटी कवर करता है, तो ये रहता है 10 to 40%, ठीक है, 10 to 40% जो है इसका जो है ये कवर करता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 or more बट लेस देन 40, ठीक है। फॉरेस्ट कवर जो है वो तीन तरह के आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, पहला कहते हैं हम लोग वेरी डेंस फॉरेस्ट, ठीक है, VDF जिसका शॉर्ट फॉर्म है VDF, वेरी डेंस फॉरेस्ट, ठीक है, जो कि मोर देन 70% कैनोपी डेंसिटी देखने को मिलता है, ठीक है। एक होता है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, ठीक है, MDF, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, ठीक है, जिसका कैनोपी डेंसिटी जो है 40% एंड 70% होता है, और एक होता है ओपन फॉरेस्ट, ठीक है, जिसका जो कैनोपी डेंसिटी है वो बिटवीन 10% एंड 40% के बीच में जो है देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 49 नंबर। ग्रोथ ऑफ द टर्मिनल एंड ऑफ द स्टेम इज कॉल्ड, ठीक है, जो टर्मिनल एंड में जो ग्रोथ होता है स्टेम के उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी टर्मिनल ग्रोथ, ठीक है, हम लोग इसको टर्मिनल ग्रोथ भी बोलते हैं, जो टर्मिनल बड है वो ग्रो करता है द टिप ऑफ द शूट, ठीक है, एंड काउज द शूट टू ग्रो लॉन्गर, ठीक है, ये बड जो है क्या करता है प्रोड्यूस करता है हार्मोन्स, फिर उसके बाद वो डाउनवर्ड मूव करता है अलोंग द शूट, जो कि इनहिबिट करते हैं ग्रोथ ऑफ अदर बर्ड्स ऑन द शूट, ठीक है, और जो लैटरल बर्ड्स है वो क्या होता है साइड में ग्रो होते हैं, ठीक है, अलोंग द साइड ऑफ द शूट, ठीक है, जो कि जो राइज ये रिजल्ट करता है ये साइड वाइज ग्रोथ को करने में, ठीक है, और उसके वजह से क्या होता है जो प्लांट को बुशी बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन। अ फायर विच रन्स थ्रू द टॉप ऑफ लिविंग ट्री बुशेस इज कॉल्ड, ठीक है, जो फायर है जो कि टॉप ऑफ द लिविंग ट्री में होता है उसको क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्राउन फायर, ठीक है, क्राउन फायर से जानते हैं जैसे कि ये ट्री है इसके जो ओवरऑल एरिया में अगर इसमें आग जाती है टॉप वाले पोर्शन में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं क्रॉप फायर, ठीक है। चलिए यहाँ पे सारा आंसर की प्रोवाइड किया गया है, इस का जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे आप डाउनलोड करिए उसको प्रैक्टिस करिए, क्योंकि क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं और आपकी एग्जाम्स में आ सकते हैं, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक
ठीक है, अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, या फिर हमें हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे हमने एक ग्रुप फॉर्म किया है, वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन वगैरह होते रहते हैं, वहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड किए जाएंगे, नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे एंड आपको जॉब अपडेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आप उस चैनल को भी वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और या फिर आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको जो है सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पे मिलेगी, ठीक है। ये सारे सोशल मीडिया का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लिंक पे क्लिक करिए और हमारे सारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप हमें हमें हमारे साथ ज्वाइन हुई है, ठीक है। आई होप आप वहाँ से फायदा उठाइएगा। अगर आप कोई भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप हमारा कोर्स ले सकते हैं जो कि एक भी एक अफोर्डेबल प्राइस में आपको अवेलेबल है, ठीक है। हमारे टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस है, आपको अच्छे से गाइड कराएंगे, ठीक है। हमारे यहाँ जितने भी हमने नोट्स प्रोवाइड किए हैं उससे मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम्स में आए तो आपको वहाँ पर डायरेक्टली मिल जाएंगे, जो कि ईजी होगा आपको कोई भी एग्जाम क्रैक करने में, ठीक है। चलिए, आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।